हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल जॉब सब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रेलवे के द्वारा मार्च के एंड में TC की जॉब निकाली जाएगी। तो दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने TC की वैकेंसी रिलीज़ की है। अगर आप भी चाहते हैं TC की फॉर्म फिल करना, TC की जॉब पाना और एक बेहतरीन करियर बनाना रेलवे में, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म ऑफलाइन फिल किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं रेलवे TC की जॉब के बारे में। दोस्तों, ये सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है और ऑफलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए वेबसाइट पर चलते हैं, तो आप देख पाएंगे। दोस्तों, हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट मस्ट ऑफिशियल रीड नोटिफिकेशन केयरफुली ऑफ द वेबसाइट। आप नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ लें और तब जाके फिल करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसमें सिर्फ 8th पास मांगी गई है आपकी रिक्वायरमेंट। अगर 8th पास, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट हैं आप, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये रेलवे की तरफ से TC की जॉब निकाली गई है, कोई भी इसको फिल कर सकता है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो इसको फिल कर सकता है। आपको एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ई वॉलेट से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट डेट की, तो इंपॉर्टेंट डेट जो है ये 26 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक ये चलेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का PDF ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके खुलेगा, जिसमें आपको लिखा होगा पूर्व मध्य रेलवे दिखेगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2% कोटे के अंतर्गत ये विभाग में भर्ती है, रिक्वायरमेंट है, इसको आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल इसमें आपका क्या रहेगा। मैं आपको बता दूँ, 36,000 आपका इसमें पे स्केल रहेगा पर मंथ, और बाकी आपके एजुकेशन और डिग्री के भी पे दिया जाएगा आपको। कुल 61 पद निकाले गए हैं, पोस्ट 61 पोस्ट निकाली गई है। आज ही जाके आप आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है जो जल्दी आवेदन करे उसका जल्दी रिक्वायरमेंट फिल किया जाएगा, तो आप आज ही जाके रिक्वायरमेंट को फिल कीजिए। दोस्तों, इसमें आपका परीक्षा होगी, जो आपको अंकित दिए गए हैं 100 मार्क्स का पेपर होगा या 2 घंटे का होगा। लिखित का आपका 85 का होगा और सेवा अभिलेख का होगा 15 मार्क्स का। आप पूरी PDF में आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, इजिली आप देख सकते हैं सारी डिटेल में। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि एजुकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ये आपका फॉर्म होगा जो उसको आपको फिल करके सबमिट करना है, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे और जमा करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और फिर TC की जॉब आपको तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।